और निपा वायरस को लेकर केरल के कोझिकोड में अलर्ट, 24 सितंबर तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। संक्रमितों के संपर्क में आए हैं 1080 लोग। तो निपा वायरस को लेकर यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कोझिकोड में 24 सितंबर तक स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। कोझिकोड, केरल के कोझिकोड में अलर्ट जारी किया गया निपा वायरस को लेकर। और देश को निपाह वायरस से संक्रमण से बचाने के लिए वैक्सीन बनाने पर काम शुरू हो गया है। आईसीएमआर ने कहा है कि देश में किसी भी नई बीमारी के खिलाफ 100 दिन में वैक्सीन बनाने का संकल्प लिया है। केरल में अब तक निपाह वायरस के 6 केस आ चुके हैं, जबकि 2 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। आईसीएमआर इस बढ़ते खतरे को लेकर सतर्क है। इसने निपाह वायरस की वैक्सीन बनाने की तैयारी शुरू कर दी। इसके अलावा डेंगू और टीबी की वैक्सीन पर भी काम चल रहा है। तो अगले 2-3 महीने में वो ट्रायल डेंगू वैक्सीन का शुरू हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया, एक और हम ट्रायल कर रहे हैं टीबी वैक्सीन पे। रिकॉम्बिनेंट बीसीजी है, एक वैक्सीन की एमआईपी जो लेप्रेसी के खिलाफ वैक्सीन थी, इंडियन वैक्सीन थी, उन दोनों का एक ट्रायल चल रहा है। आईसीएमआर डीजी ने बताया कि अब निपाह वायरस के संक्रमण की जांच केरल में ही BSL-3 लैब में कराई जा रही है। अब निपाह का सैंपल NIV पुणे नहीं भेजना हो। सरकार ने निपाह संक्रमितों के लिए ऑस्ट्रेलिया से मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की 20 डोज और मंगवाई। अभी उनके पास 10 मरीजों के लिए मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उपलब्ध है। हालांकि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी कितनी सटीक है, इसको लेकर परीक्षण चल रहा है।